दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी चीज को पाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जिसके लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यूं तो इंसान हर उस कीमती चीज को पाना चाहता है जो महंगी हो। अब भारत में ही देख लीजिए, त्योहार और शादी के मौके पर सोने और चांदी से बने गहने देने का रिवाज है, जबकि कुछ अमीर लोग डायमंड यानी के हीरे की वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि हीरा खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह एक अनमोल धातु है जिसकी कीमत लाखों में होती है। दुनिया भर में हीरे की खदान पाई जाती है। इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हीरा कोहिनूर भारत में पाया गया था, जो कि आज ये इंग्लैंड के शाही परिवार के पास है। चाहे हीरा बड़ा हो या छोटा, उसकी चमक हर किसी की आंखों को चकाचौंध कर देती है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपको एक या दो नहीं बल्कि बाल्टी भर हीरे एक साथ मिल जाए तो? यह चमत्कार वाकई किसी हसीन सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि इतनी कीमती धातु का मिलना असंभव सी बात लगती है। लेकिन क्या हो अगर धरती पर अचानक हीरे की बारिश होने लगे? हम जानते हैं कि धरती पर पानी की बारिश होती है, जिससे मौसम खुशनुमा हो जाता है। पर अगर आसमान से पानी की बूंदों की जगह हीरे बरसने लगे तो आप क्या करेंगे? ये हीरे की बारिश भले ही धरती में ना संभव हो, लेकिन दूसरे ग्रहों में ये दृश्य आपको देखने को जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों पर हीरे की बारिश होती है। बता दें, बृहस्पति यानी जुपिटर और शनि यानी सैटर्न जैसे ग्रहों में पानी की जगह हीरे की बारिश होती है, जिसके चलते ये कहा जाता है कि इन ग्रहों के लिए हीरा अनमोल वस्तु नहीं होगा। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों पर हीरे की बारिश कैसे होती है? तो दोस्तों, हम बता दें, इस सवाल के जवाब में आंधी, तूफान, बिजली और वायुमंडलीय दबाव के कारण हीरा बनने की शुरुआत होती है। आंधी और तूफान की वजह से सैटर्न के वातावरण में मौजूद मीथेन गैस शीशे में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद बहुत ज्यादा वायुमंडलीय दबाव होने के कारण दोस्तों ये शीशे हीरे में बदल जाते हैं। यही वजह है कि शनि और बृहस्पति ग्रह पर हीरे की बरसात होती है। लेकिन दोस्तों, ये बता दें हम आपको कि जब यह हीरे सैटर्न की धरती तक पहुंचते हैं तो वहां के अत्यधिक तापमान की वजह से हीरा पिघल जाता है और तरल रूप ले लेता है, और कुछ समय बाद गायब भी हो जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो सैटर्न पर हर साल 1 मिलियन किलोग्राम हीरे की बारिश होती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 1 मिलियन किलोग्राम हीरे की बरसात। लेकिन दुख की बात है कि यह हीरा किसी भी प्रकार से इंसानों के काम नहीं आ सकता। क्या आपने सोचा कि क्या होगा जब सैटर्न की जगह हमारी पृथ्वी पर हीरे की बरसात होने लगे? क्या हम सब बहुत अमीर बन जाएंगे, या धरती पर हर वस्तु का निर्माण सिर्फ हीरे से ही किया जाएगा? आप निराश हो जाएंगे जवाब जानकर कि हमारी धरती में हीरे की बारिश होना असंभव है। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक इंसान धरती पर मौजूद है। दरअसल इसका कारण है धरती का वातावरण, जो दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग है। धरती के वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा बहुत कम है। ऐसे में आंधी तूफान की वजह से मीथेन गैस का शीशे में परिवर्तित होना तो नामुमकिन है। और तो और, पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव इतना ज्यादा नहीं है कि शीशा हीरे में बदल सके। यह तभी मुमकिन है जब धरती का वायुमंडलीय दबाव मौजूद प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा हो सके। और मान लीजिए, अगर भविष्य में कभी धरती का वायुमंडलीय दबाव इतना ज्यादा हो भी जाता है तो उस स्थिति में धरती पर जीवन की कल्पना कर पाना नामुमकिन है। चलिए धरती में ना सही, लेकिन ऐसी अजीब चीज कहीं तो हकीकत में हो रही है। यही काफी चौंका देने वाली बात है। क्यों दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। हम डेली ही अपने चैनल पर ऐसे रोचक वीडियोस लेकर आते हैं आपके लिए। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।